बेहतरीन मूर्तिकार था, तो एक सालेतरे गांव में मंदिर निर्माण था, तो वहां मूर्ति बनाना था, ठीक है। तो जंगल से होकर गुजर रहा था, तो दो अच्छे बड़े बड़े पत्थर दिखे, तो मूर्तिकार बोला यार बढ़िया पत्थर है, मूर्ति यही बना लेता हूँ, गणेश जी की मूर्ति बनानी थी। तो उसने छेनी हथौड़ी निकाला बाबा, और छेनी हथौड़ी को वहां पहला प्रहार चालू करने वाला था पत्थर पे, तो पत्थर चबा जाए, देवता मुझे माफ करो बहुत दर्द होगा, मेरे ऊपर प्रहार मत करो, सेम पत्थर बगल में है उसको मार दो। ठीक है बोला, पत्थर है अभी मूर्ति बनाना है मुझे। बगल वाले पत्थर में गया और वहां पर छेनी हथौड़ी से प्रहार किया, वहां से कोई आवाज नहीं आई, वहां से टकड़ टकड़ करके छेनी हथौड़ी प्रहार करते बढ़िया मूर्ति बनाए, गणेश जी की मूर्ति। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान बढ़िया मूर्ति बनी। अब ये चले गए गांव, गांव में सब इंतजार कर रहे थे, अरे यार तुम्हारा इंतजार हो रहा था आपका, आप मूर्ति बनाए नहीं। बोले मूर्ति बना के आए हूँ जंगल में, चार लोग चलो मूर्ति उठा के ले आए। तो चार लोग गए मूर्ति उठा के ले आए, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, बढ़िया फूल माला वगैरह चढ़ी। उन्होंने गांव वाले ने बोला कि हमें एक पत्थर और चाहिए जिसमें हम लोग नारियल फोड़ेंगे सामने। तो बोले हाँ, एक पत्थर जंगल में छोड़ के आए हूँ, खाली पत्थर है लेके आओ। वहां गए तो पत्थर लेके आए, सामने रख दिए। अब हुआ क्या, जिस पत्थर को प्रहार हुआ था, छेनी हथौड़ी से आघात किया गया था, मूर्ति बनी थी, उसको तो फूल माला चढ़ रहे थे, रुद्राभिषेक हो रहा था, दूध दही से नहा रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, मिठाई चढ़ रहे थे, भोग चढ़ रहे थे, लेकिन जो पत्थर नीचे पड़ा था उसको देर दराधर नारियल फोड़ देते, देर दराधर नारियल फोड़ते ही रोता था। कि पत्थर से आवाज आई, बोले यार ऐसा तूने क्या किया कि साथ में पैदा हुए, एक ही जगह पले बढ़े, और आज तेरी पूजा होती है और मेरे को कोई भी आता टोक के चला जाता तो उस पत्थर से आवाज आई, तुझे भी मौका मिला था जीवन में एक बार, अगर तू भी पहले दिन उस दिन पहला प्रहार सह लेता तो तेरी भी जिंदगी में पूजा आपको भी मौका मिलता है पहला प्रहार सहने का। प्रहार सह के अपने जीवन का निर्माण कर लीजिए, एक मूर्ति बन जाइए, एक बेहतर चरित्र के साथ बन जाइए, आपके जीवन में पूजा होगी। ठीक है, हमेशा याद रखो हमको मिल सकता है आपसे बेहतर, मिल सकता है आपसे बेहतर स्टूडेंट, हमको मिल सकता है, हमको मिल सकता है आपसे बेहतर, आपको मिल सकता है हमसे बेहतर, लेकिन ये आप और हम मिल जाए तो कुछ ना होगा उससे बेहतर, कुछ ना होगा उससे, कुछ ना होगा उससे। अपने जीवन में पहले डिसाइड करो क्या करना है, उसके पीछे काम करो, डेली काम करो। इस घर भी ना एक दिन में नहीं बनता, डेढ़ दो साल में घर बनता है, एक एक ईंटा लगाते हैं, लेकिन घर बनने के पहले डिसाइड करते हैं ना घर बनना है, ठीक उसी तरह आपके जीवन का घर बनना है, डिसाइड करो कौन सा चीज बनना है, फिर उसी ऊपर काम करो। कोई पेंटिंग में भी घर बना सकता है तो डेली उसी ऊपर काम करो, कोई इंजीनियरिंग में भी काम कर सकता है घर बना सकता है डेली उस पर काम करो, कोई रॉकेट साइंस में भी बना सकता है डेली उस पर काम करो। इंसान वही बनेगा जो रोज उसका अभ्यास करेगा, जो रोज उसका अभ्यास करेगा वही इंसान बनेगा, जो अभ्यास नहीं करेगा वो कुछ नहीं बनेगा, क्या बनेगा पता नहीं, जिंदगी भर भटकता रहेगा और इस धरती में आया तो धरती से चले। हर एक पतंग को यहाँ पर कचरे के डब्बे में जाना है, जाना ही जाना है, हर एक पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना है, लेकिन वहां जाने से पहले एक बार आसमान छू के दिखाना है। ठीक उसी तरह धरती में आए तो धरती में मिल जाना है, लेकिन वहां मिलने से पहले एक बार आसमान छू के दिखाना है, आसमान छू के दिखाना है, ठीक है। तो मैं अगली बार आऊंगा तो आप अपना एक नोट्स बनाएगा, अपने जीवन में क्या करना चाहते हो रिटर्न में लिखना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ क्या लिखते हो, होमवर्क लिखते हो ना, अपने जीवन के लिए कुछ नहीं लिखते हो, होमवर्क लिखते हो क्योंकि वो बाध्यता है। लेकिन मैं बताऊं, आपने कहानी सुनी होगी ना कि ब्रह्मा ने जो लिखा होगा वही मिलेगा, किस्मत में जो लिखा होगा मिला होगा, जो यमराज ने लिख दिया मिलेगा, जो हाथ की लकीरों में लिखा है वो मिलेगा, ऐसा सुने होगे नहीं। मतलब एक बात तो सही है कि जो लिखा होगा वही मिलेगा, समझ रहे हो मेरी बात, बचपन से हम यही तो बात सुनने आ रहे हैं ना कि ब्रह्मा ने जो लिखा होगा मिलेगा, किस्मत में जो लिखा होगा मिलेगा, हाथ की लकीरों में जो लिखा होगा मिलेगा, जो किस्मत में जो जो खानदान में लिखा, जो कुछ लिखा होगा अपने हाथ के लकीरों में मिलेगा, मिलेगा ना। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जो लिखा होगा मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने लिए कुछ नहीं लिखते तो क्या मिलेगा बताओ। मॉरल ऑफ द स्टोरी है हमें भी जीवन में पाने के लिए कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। अगर ब्रह्मा ने लिखा है मास्टर बनेगा तो लिखो मैं राष्ट्रपति बनूंगा, बजाओ ताली सर के लिए। अपना लिखना पड़ेगा, खुद को लिखना पड़ेगा, अपनी कहानी खुद को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ कि सितारे जो है ना आप बहुत बहुमूल्य हो, कुछ भी कर सकते हो, इसमें बेहतर से बेहतर की तलाश करो, अपने अंदर ही हो, सबसे पहले अपने आप को जानो आपके अंदर क्या अच्छाई है क्या बेहतरी है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, अगर नदी मिल जाए तो फिर समंदर की तलाश करो, एक पत्थर से तो शीशा टूट ही जाता है, पत्थर टूट जाए आप ऐसे शीशे की तलाश करो।
ठीक है, जीवन में आगे बढ़ने